करते हैं स्टार्ट। पहले तो गाइस बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये कंफर्म तो हो ही सकता है 100% WWE की तरफ से विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच है रिया रिपली वर्सेस बैकी लिंच का। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि ये भी काफी टाइम से चल ही रहा है, रॉयल रंबल में तो हमें देखने को मिला था लेकिन अब रेसलमेनिया में भी देखने को मिल ही जाएगा, जे उसो वर्सेस जिमी उसो ब्रदर वर्सेस ब्रदर। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें तो नेक्स्ट मैच हमारा है जो कि सबसे पहला मैच जो कंफर्म हुआ था विनर रॉयल रंबल का, यहाँ पर बेली वर्सेस आईओ स्काई का WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में मैच है। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल चैंपियनशिप के लिए जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एट रेसलमेनिया में हो सकता है, जिसके 100% चांसेस अभी रहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि WWE डी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है टीम जजमेंट डे वर्सेस, यहां पर हमें देखने को मिल सकता है आर्थ्रूट एंड मेज रेसलमेनिया। और इसके अलावा हमें नेक्स्ट मैच जो कि इसके बारे में हम बात कर ही सकते हैं कितना बड़ा मैच होने वाला है रेसलमेनिया के लिए और इसके 100% चांसेस भी है, जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जिसके 100% चांसेस इस मैच के भी है कि ये हो सकता है लेकिन लूजर लीव्स WWE, शायद ऐसा हो या ना हो लेकिन ये सिंगल्स मैच होगा, रे मिस्टेरियो वर्सेस सैंटोस एस्कोबार सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि हमें देखने को मिल ही सकता है एले नाइट वर्सेस लॉगन पॉल फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया, जिसके इसके इस मैच के भी 100% चांसेस हो सकते हैं कि हमें देखने को मिल जाए। लेकिन इसके अलावा भाई ये भी मैच कंफर्म हो सकता है, यहाँ पर रॉक वर्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है ट्रिपल एच का सिंगल्स मैच एट रेसलमेनिया। और इसके अलावा यहाँ पर द रॉक का एक और मैच भी है जो कंफर्म हो सकता है, अगर ट्रिपल एच नहीं लड़े तो यहाँ पर सोलो सिकोवा वर्सेस द रॉक का मैच हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि हमें देखने को मिल सकता है बॉबी लैशली वर्सेस कैरियन क्रॉस रेसलमेनिया नो होल्ड्स बार्ड मैच हो सकता है, जिसमें शायद के कोई रेवरी वगैरह हो सकती है। और इसके अलावा नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें जो कि एक प्रेडिक्शन मैच है, जॉन सीना वर्सेस हमें रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में, ये भी प्रेडिक्शन है अगर जॉन सीना आते हैं तो जॉन सीना हो जाएंगे रिटायर। इसके अलावा हमें मैच देखने को मिल सकता है ये भी भाई एक तरफ से प्रेडिक्शन ही है, रिपोर्ट के मुताबिक ये मैच हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया। और इसके अलावा हमें नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें फाइनली सबर की घड़ियां हुई खत्म और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच है रेसलमेनिया में, जिसमें जीतेंगे तो रोमन रेंस स्टील चैंपियनशिप स्टील माय ट्राइबल चीफ एट रेसलमेनिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो।